आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं 3 आसान से होम डेकोर आइटम्स, वो भी वेस्ट मटेरियल की हेल्प से। तो सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड को राउंड शेप में कट कर लिया है और उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है उसको मैंने यहाँ पे उतार दिया है। कार्डबोर्ड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में आए दिन आती रहती है। कभी आप नया फ्रिज ले रहे हैं, कभी आप नया टीवी ले रहे हैं, या फिर कभी कोई पार्सल आ रहा है, तो कार्डबोर्ड हमारे घर में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। और ये भी होता है कि हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आज मैंने वही यूज़ करके कुछ DIYs बनाए हैं। इस राउंड कार्डबोर्ड को मैंने 2 पार्ट्स में कट कर लिया है और अब मैं इसको स्प्रे पेंट की हेल्प से पेंट कर दूंगी। आप यहाँ पे चाहे तो एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे पेंट ऑलमोस्ट पूरा ड्राई हो चुका है। अभी मैंने ये वूल जैसा थ्रेड लिया है और इसके मैं इक्वल लेंथ के पीसेस कट कर लूँगी और जो कार्डबोर्ड हमने पेंट किया है उसके ऊपर इसको स्टिक कर दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड कॉमेंट भी करें। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पे 3 कार्डबोर्ड के पीसेस कट किए हैं रेक्टेंगुलर शेप में। थोड़ा सा मैंने थिक कार्डबोर्ड लिया है यहाँ पे। अभी इनको कवर करने के लिए मैंने कलर पेपर का यूज़ किया है। मैंने रैंडम कलर्स चूज़ किए हैं, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इसकी जगह पे हम पेंट भी कर सकते हैं, पर पेंट करने से कार्डबोर्ड जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और बाय द टाइम वो फोल्ड भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कलर पेपर का यूज़ किया है। विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल हम इसे कलर्ड पेपर को कार्डबोर्ड पे स्टिक कर देंगे। जैसे हम गिफ्ट को रैप करते हैं, बस बिल्कुल उसी तरह हमें इस कार्डबोर्ड पीस को कलर्ड पेपर से रैप करना है। अच्छा, अभी यहाँ पे जब हम कलर्ड पेपर लेंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो बहुत ही थिन हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटी थिकनेस का हमको कलर्ड पेपर नहीं लेना है, वरना वो ईजिली फोल्ड नहीं होगा और स्टिक नहीं हो पाएगा। जितना पेपर पतला होगा उतना आपको रैप करने में ईजी रहेगा। तो बस उसी तरह से मैंने ये 3 कार्डबोर्ड पीसेस रैप कर लिए हैं, 1 इन पिंक, देन 1 इन येलो एंड द लास्ट 1 इन ब्लू कलर। अब जब मैं बोल रही हूँ कि पेपर पतला होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही पतला पेपर ले लें, अदरवाइज़ वो वैसे ही फेविकॉल से ही वो गल जाएगा। तो एक मीडियम थिकनेस का आपको पेपर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बस बिल्कुल उसी तरीके का 2 से 3 रुपए के बीच में ये एक पेपर आपको मिलेगा किसी भी स्टेशनरी शॉप पे। 3 कार्डबोर्ड हमारे रैप हो चुके हैं। अभी मैं इस पर लिख रही हूँ गुड वाइब्स ओनली। आप इसकी प्लेस पे और भी कोई वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे कि लव एंड लाफ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैंने यहाँ पे सबसे पहले पेंसिल से लिख दिया है और फिर मैं इसकी आउटलाइनिंग ब्लैक स्केच पेन या फिर मार्कर किसी से भी आप कर सकते हैं। We'll be right back.
सो फॉर द नेक्स्ट डी आई वाई मैंने यूज़ किया है ये रोल, फॉइल पेपर का ये रोल है, उसमें काफ़ी थिक रोल आता है तो वो डी आई वाई के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंट लिया है और ब्रश के बजाय मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज का यूज़ किया है क्योंकि उससे इसमें एक टेक्स्चर भी ऐड हो गया है। उसके बाद हमें चाहिए होंगे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग के जो पेपर बैग्स होते हैं वो, यूजुअली हम इनको इमीडिएटली फेंक देते हैं पर यहाँ पे मैंने इन्हीं का यूज़ करके कुछ बनाया है। सो करना आपको ये है कि इस तरीके का एक पेपर बैग लेना है, उसको बीच में से फोल्ड करना है और उस पर एक लीव का शेप ड्रॉ कर लेना है और उसे कट कर देंगे एंड देन उसे जिगजैग मैनर में फोल्ड कर देंगे। ऑनलाइन शॉपिंग बैग से मैंने एक और वीडियो बनाया था जो कि एक प्लांटर था, DIY प्लांटर बनाया था मैंने, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करें और थोड़ा सा सोचें तो हम किसी भी चीज़ से बहुत कुछ बना सकते हैं, मतलब वेस्ट तो कोई चीज़ को जाने ही नहीं देना है। तो अब हम यहाँ पे इसे जिगजैग मैनर में फोल्ड कर रहे हैं। मेज़रमेंट में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, मतलब जब आप इसको जिगजैग मैनर में फ़ोल्ड कर रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 100% एक्यूरेसी रखें। ऑल्सो हैंडमेड चीज़ों में आप एक्यूरेसी नहीं देख सकते, है ना, वो अपने इम्परफेक्शंस में ही परफेक्ट होती है। आप खुद सोचिए, आपने कुछ कोई चीज़ खुद से बनाई है, ट्रस्ट मी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी बनेगी ना तो वो बहुत ही प्यारी लगेगी, बहुत ही अच्छी लगेगी कि वो हैंडमेड है। सो हैंडमेड हैज़ इट्स ओन चार्म और उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। बातों ही बातों में हमने पूरी लीफ को जिगजैग मैनर में फोल्ड कर दिया है। अभी हम इसका जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर देंगे और एक वुडन स्टिक लेके इसके ऊपर अटैच कर देंगे तो इट विल एक्ट लाइक अ स्टैंड फॉर द लीफ। और फिर वीडियो में दिखाए गए मैनर में हम इस लीफ को भी स्टिक कर देंगे। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऑल्सो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं आपको इन तीनों में से कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसे ही मैंने और भी लीव्स बना के पहले से तैयार करके रखी है। लीव्स के साइजेस मैंने अलग अलग लिए हैं तो ये 3-4 साइजेस में हमारे पास लीव्स आ गई है। अभी उसी पेपर बैग से मैंने ये कुछ स्ट्राइप्स कट किए हैं और इसको मैं वो जो फॉइल पेपर रोल है जिसको हमने ब्लैक पेंट किया था उसके अराउंड स्टिक कर दूँगी।